हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन द फोकस स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें कितने मार्क्स में हम पास होंगे। कोई 100 में से किसी को पता ही नहीं होता, 100 में से कोई 18 ला रहा है तो कोई 50 में से 18 ला रहा है। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आपके डाउट पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग। ठीक है, असाइनमेंट में कितने चाहिए होते हैं, इसमें कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगा किस में कितने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सो देखो, पासिंग मार्क्स इन असाइनमेंट, असाइनमेंट में हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 100 का असाइनमेंट होता है। ठीक है, इसके लिए हमें 35 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट के मार्क्स कितने ऐड होते हैं हमारे ग्रेड कार्ड में, 30% होते हैं। ठीक है, तो बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, दोनों के मार्क्स क्या होने चाहिए, 35 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 35 से कम आते हैं तो क्या होता है, हमें दोबारा अगले सेशन में असाइनमेंट बना के सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। असाइनमेंट में हमें कितने मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स के, कितने में से, 100 में से। ठीक है, बैचलर मास्टर्स दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो, अब बैचलर डिग्री पे आते हैं हम अपने एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो जो 50 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमें कितने चाहिए होते हैं, 18 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और जो 100 मार्क्स के होते हैं उनमें 35 चाहिए होते हैं। अब ये पूछोगे आप 50 मार्क्स 100 मार्क्स का क्या लोचा है, तो देखो, हम जब क्रेडिट चूज़ करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते समय, तो जो 8 क्रेडिट वाले होते हैं ना सपोज, वो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जो 4 क्रेडिट के होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के। ठीक है, लाइक BSF, FST, ये क्या होते हैं, ये थोड़े ज़्यादा लेंदी बुक्स होती हैं इनकी, है ना, वाइड सिलेबस भी वाइड होता है, तो इसलिए 8 क्रेडिट के होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। और जैसे AOM हो गया, AMK हो गया, ये कितने होते हैं, 4 क्रेडिट के होते हैं, और ये कितने मार्क्स के होते हैं, 50, और मार्क्स कितने चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 18 मार्क्स। ये तो बैचलर डिग्री का था। ठीक है, अब हम आते हैं मास्टर्स पे। तो देखो, एक और बैचलर में भी एक होता है 25 मार्क्स का भी पेपर होता है, तो उसमें हमें 25 में से कितने चाहिए होते हैं, 9 नंबर चाहिए होते हैं, जैसे MTE, MTE4, MTE5। ठीक है, 2 क्रेडिट के होते हैं। ठीक है, तो इनमें कितने चाहिए होते हैं, 9 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 25। अब मास्टर्स पे आते हैं। देखो, मास्टर्स में देखिए, 50 में से मास्टर्स में 20 चाहिए होते हैं, और 100 में से कितने चाहिए होते हैं, 40 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 20 और 100 आउट ऑफ 40। ठीक है, अरे 40 आउट ऑफ 100, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये समझ गए आप, ये भी 8 क्रेडिट 4 क्रेडिट का इनका लोचा होता है। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए इनमें, 40 चाहिए, जो 100 का होगा उसमें 40 चाहिए, जो 50 का होगा उसमें 20 चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए, ग्रेड कार्ड जो हमारा मिलता है उसमें ग्रेड लिखे होते हैं, तो किससे कितने तक मार्क्स वाले होते हैं, तो अगर आपके बिलो 35 आते हैं तो आपको F मिलेगा, मतलब फेल हो सकते हो, है ना। E मिलेगा तो क्या होगा, 35 से 39। D मिलेगा तो क्या होगा, 40 से 49। C मिलेगा तो 50 से 59। B मिलेगा तो 60 से 79। A मिलेगा तो 80 या फिर उससे, अब वो 90 भी आएगा तो A आएगा, 85 भी आएगा तो A आएगा। ठीक है, सो होप सो आपने ये चीज़ समझ गए होंगे, क्लियर होगा, हो गया होगा आपको ये चीज़। ठीक है, सो मैंने बता दी है। देखिए, एक बार और बता देता हूँ मैं, बैचलर के लिए कितने चाहिए होते हैं हमें, 50 में से 18 चाहिए होते हैं, 100 में से 35 चाहिए होते हैं। मास्टर्स के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, 50 में से 20 और 100 में से 40। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना, और वीडियो को, अरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो होप यू इन्जॉय वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइज़।